नमस्कार, आप टैग ई कैरियर काउंसलिंग ऐप पे अभी सब हम लोग लाइव है और आज का टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग पे BDS को रिलेटेड। और जैसे कि अभी तुरंत नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट का रिजल्ट भी आ गया है, काउंसलिंग होना बाकी है। और इस बीच में है कि कोर्सेज की जो नीट के अंदर जो UG कोर्सेज है जिसके बाद बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, उसमें MBBS आता है, BDS आता है, BMS आता है, BHMS आता है, BPT आता है, BYNS आता है। तो नॉर्मली जो फोकस होता है वो MBBS के बाद BDS, BMS, BHMS इन सारे कोर्सेज पे होता है। हम तमाम कोर्सेज पे डिटेल्स में जानने की कोशिश भी करेंगे और इस पे चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जो आज मुख्य अतिथि के तौर पे हैं मुजफ्फरपुर के शहर के जाने माने अतिथि डॉक्टर गौरव वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर, आप कुछ उन बच्चों को एक ग्रीटिंग्स देना चाहेंगे जो कि अभी तुरंत नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में लगभग 16 लाख बच्चों ने अपियरिंग दिया था इस साल, और जिसमें से मुझे लगता है कि 8 और 9 के बीच में एक आंकड़ा है जिसमें बच्चे क्वालिफाई किए हैं और बाकी बच्चे डिसक्वालीफाई करे गए। तो अब इतने बच्चों में अभी ये सारे जो डिफरेंट अभी कोर्सेज हैं जिनसे डॉक्टर बना जा सकता है, तो आप सबसे पहले उन बच्चों को कुछ सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए भाई, यानी चांस उनके लिए भी कि वह हतोत्साहित ना हो और कीप इट अप, नेक्स्ट ईयर की तैयारियां करें और उसे हतोत्साहित नहीं होना है। और बस यही है कि अपने आप को कीप मूविंग, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी यही ख़त्म नहीं हो गई, और चीज़ें बहुत सारी बची है, एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं, रास्ते बहुत सारे हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, चाहे वो MBBS हो, चाहे BDS हो, चाहे BMS हो। हर एक फील्ड की अपने अपने स्पेशलिटीज़ है और अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेज है, तो हतोत्साहित नहीं होना, नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करनी है। थैंक यू सर। ये अब हम आप बात करते हैं MBBS का, जैसे कि नीट का कोर्स आ गया तो सबसे पहले फोकस होता है कि MBBS, और इस बीच में ये देखा गया है कि MBBS में फिर अभी दो ऑप्शन हो जाते हैं बच्चों के पास कि इंडिया से करना है या इंडिया के बाहर से करना है। तो इंडिया में नॉर्मली सभी को पता है कि फ़ीस काफ़ी हाई है, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात छोड़ दी जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस सबके अफोर्डेबल की बात नहीं हो पाती है, और नॉर्मली इसके चलते बच्चे मूव आउट करते हैं इंडिया के बाहर। बट इसमें एक और चीज़ है कि अभी नया सर आपको पता ही होगा कि MBBS में नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी इंक्लूड किया गया है, और जो पहला एग्ज़ाम 2023 में होने वाली है। तो नॉर्मली भी क्या हो गया है कि एक बार नीट क्वालिफाई करो, फिर आप MBBS में एडमिशन लो, और फिर उसके बाद एक ओवरऑल सारे बच्चों के लिए एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट टेकर, और उस नेक्स्ट में आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिलेगा। और सेम वे में जो बच्चे बाहर गए हैं उनके लिए अभी भी FMG कंटिन्यू कर रहा है। तो इस बीच में है कि बाहर से पढ़ने पे थोड़ी सी पैसा तो मतलब कम लगता है इंडिया के मुकाबले, और कॉस्टिंग आपकी कम हो जाती है। तो इस बीच में ये भी समस्या रहता है बच्चों का कि MBBS इंडिया से किया जाए या इंडिया के बाहर नहीं जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली एक्सपेंसेस एंड देन उसके बाद PG के कोर्सेज, तो इन तमाम ये थोड़े से क्वेश्चंस लॉन्ग हो गए, बट दोनों मिलाकर मैं आपसे डिस्कशन चाहूँगा इस पे कि नीट पहले MBBS और उसके बाद, क्योंकि MBBS करने के बाद PG करनी ज़रूरी है, तो ये एक समस्या है। तो MBBS एंड PG दोनों बातों पर ध्यान देना और दोनों के एक्सपेंसेस थोड़ा सा देखिए, ये गवर्नमेंट का बड़ा सोचा समझा स्टेप है, ये जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, जैसे हम कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं मैकडी से कुछ पिज़्ज़ा खाते हैं या कहीं डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाते हैं, तो सबका टेस्ट ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट ने कुल मिला के कुछ उसी तर्ज पर स्टार्ट किया है कि बंदा कहीं से MBBS करे या BDS करे, चाहे वो कर्नाटका से करे या बिहार से करे या UP से करे, उनका एक लेवल एक लेवल का होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाइयाँ हर जगह थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, थोड़े बहुत डिफरेंट कल्चर्स है, तो पढ़ाइयों का एक लेवल, एक स्टेटस मेंटेन रहे लेवल, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के स्टेप किया। और जहाँ तक विदेशों से MBBS और BDS करने की बात है, देखिए इंडिया में फिर आने के बाद आपको स्क्रीनिंग क्लियर करना है, और एक बात और ये है, गौर करने की बात है कि इंडिया का मेडिकल पढ़ाई और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाई है। आई वोंट टेक एनी मतलब कंट्रीज़ नेम, बट स्टिल आई फील कि बाकी और कंट्रियों से, जितने कंट्रियों का आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, बाकी कंट्रियों से इंडिया में मेडिकल की जो पढ़ाई है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई। तो इसलिए बाहर से जो बंदे आ रहे हैं तो उनको स्क्रीनिंग क्लियर करना एक मैंडेटरी स्टेप है, जो कि गवर्नमेंट का सोचा समझा स्टेप है, और जो गवर्नमेंट ने जो अभी 2013 से जो आपने बताया जो स्टार्ट किया है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत डिफरेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के आने के बाद कि बच्चों का लेवल एक जैसा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से जो बच्चे आ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से जो बच्चे आ रहे हैं नीट क्वालिफाई करने के बाद, सबका लेवल एक जैसा होना चाहिए। तो एक एग्जिट एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम सभी आ रहे हैं ये भी ज़रूरी है, बशर्ते ये अभी आपको लग रहा है कि नहीं एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर बंदे ने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो एग्ज़ाम एक फॉर्मेलिटी भर रह जाएगी,
तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट का सोचा समझा स्टेप है। ठीक सर, और पीजी के बारे में कुछ कहना चाहिए, एमबीबीएस करने के बाद इट्स मैंडेटरी कि आप सिर्फ एमबीबीएस के थ्रू अपने कैरियर को, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक अच्छी कैरियर आप नहीं बना सकते नॉर्मली, क्योंकि उसके बाद पीजी साइड कहीं ना कहीं करना जरूरी। पीजी इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूजी और पीजी में डिफरेंस यही है कि पीजी में हमारे एकेडमिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो पीजी ही होता है। एमबीबीएस में एक्चुअली हमारे ओरिएंटेशन बड़ा अच्छा होता है, एमबीबीएस या बीडीएस जो भी हमारी यूजी होती है उसमें ओरिएंटेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन पीजी में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो। इटसेल्फ एमबीबीएस और बीडीएस जो भी हम लोग स्ट्रीम फॉलो कर रहे हैं वो इटसेल्फ बहुत वास्ट कोर्स होता है उसमें, तो उसमें एक पर्टिकुलर कोर्स है। मान लीजिए कि अगर आपने एमबीबीएस किया तो मेडिसिन सर्जरी इटसेल्फ बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, गायनेकोलॉजी हो चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, तो बंदा फोकस करे उस पर, तो एक ब्रांच अगर स्पेशलिटी में अगर फोकस करे अच्छे से तो वही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो पीजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पीजी के दौरान ही बंदे की ओरिएंटेशन और बंदे का स्किल डेवलप करता है, और ऐसा नहीं है कि ओनली एमबीबीएस, इवन आप डेंटल के बाद भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, चाहे मैगजिलोफेशियल सर्जरी हो, चाहे इंडोडोंटिस्ट हो, चाहे ऑर्थोडोंटिस्ट हो, देयर आर सेवरल ब्रांचेज। तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस बच्चे का किस फील्ड में जा रहा है, चाहे वो डेंटल में हो चाहे मेडिकल में, और बंदा जनरली देखा जाता है कि लड़कियों का रुझान गायनेकोलॉजी की तरफ जाता है, लेकिन ऑफलेट इधर देखा गया है कि लड़कियाँ मोर और लेस ज़्यादा सर्जरी मेडिसिन और स्किन वगैरह भी ऑप्ट कर रही हैं, और लड़कियों के लिए जनरली पहले देखा जाता है कि डेंटल वो ज़्यादा ऑप्ट करती थी, और बात सही है कि डेंटल में नाइट कॉल्स वगैरह कम होते हैं तो जनरली डेंटल फील्ड में लड़कियों का रुझान ज़्यादा होता है। तो उसके बाद भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो मैगजिलोफेशियल है जिसमें नाइट कॉल्स है, तो उसमें लड़कों का रुझान ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट पे कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है। पीजी आपको उसी लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिसमें आपको उसमें चुन लीजिए और उसी में एक्सेल कीजिए अपने आपको। ये बेसिक फंडा है कि आपका ये जो इंटरेस्ट है विद इन 5 ईयर्स आपका डेवलप कर जाता है, कि आप जब एमबीबीएस या बीडीएस करें तो आपको खुद को पता चल जाता है कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हो। पीजी उसी ब्रांच को चुनिए और उसी ब्रांच में एक्सेल कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना डिटेल्स में आपने बताया। बात करते हैं नॉर्मली अब एमबीबीएस के बाद जो कुछ कोर्सेज बच जाते हैं उसमें बीएमएस बीएचएमएस है और उसमें एक कोर्स बीडीएस भी है, और सर हमारे सर जो है वो एक वेल नोन डेंटिस्ट है यहाँ पर, तभी बीडीएस के बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि नॉर्मली एमबीबीएस के बाद, क्योंकि सबका जो भी मुझे मतलब मैं एज अ काउंसलर जो स्टूडेंट्स का आता है उसमें नॉर्मली सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का यही फोकस होता है कि एमबीबीएस अगर हो गया तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद मतलब पेरेंट्स उतना सोचना मतलब कि बाकी कोर्सेज के बारे में उनको लगता है कि उतना करियर नहीं है। और आपने एज ए डेंटिस्ट वेल नोन एक फेस है आप मुजफ्फरपुर में और हम सब जान रहे हैं आज के शहर में, तो आप थोड़ा सा अपने कैरियर के बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की थी एज ए डेंटिस्ट, और क्या आपने भी पहले एमबीबीएस के बारे में सोचा या पहले से फिलहाल? हर बिहारी या हर मिडिल क्लास फैमिली का एक एम होता है इधर सिविल सर्विसेज या मेडिकल में एमबीबीएस की तरफ जाना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी एमबीबीएस की तैयारी की, ठीक है। बीडीएस इज़ ए गुड फॉल बैक ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट कम्प्लीटेड फॉर एमबीबीएस, यानी हाँ मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ सिलेक्शन या नहीं अटेंड कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि बीडीएस कोई ख़राब ब्रांच है ऐसा कुछ, एमबीबीएस के बाद बीडीएस ही आता है। और बहुत मैंने अपनी पढ़ाई मुंबई से की तो वहाँ मैंने बहुत क्लियर चीज़ देखा, मैं जब काउंसिलिंग में वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि लोग बीडीएस को एमबीबीएस से ज़्यादा ऑप्ट कर रहे थे। मेरे आगे 12 बच्चे थे जिन्होंने एमबीबीएस को छोड़ के बीडीएस लिया था। वहाँ पे डेंटिस्ट्री बहुत ज़्यादा साउथ में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और अभी हमारे बिहार और यूपी में डेंटिस्ट्री अब बूम आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पर्सनल मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। और बीडीएस को हम लोग जनरली एक फॉल बैक ऑप्शन की तरह मानते हैं कि अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो वी शुड गो फॉर बीडीएस, ठीक है। तो और फिर बीडीएस में एक अलग चार्म है, बीडीएस का एक अलग चार्म है, एक अलग स्कोप है, उस पर बहुत सारे ब्रांचेज हैं। जब मैंने बीडीएस ज्वाइन किया तो शुरू में मुझे लगा था कि एक्चुअली मैं मुझे एमबीबीएस से नहीं हुआ था, थोड़ा मुझे लगता था कि फील होता था कि यार एमबीबीएस करना चाहिए था ये वो, लेकिन फिर मुझे विद टाइम महीने दो महीने बाद मुझे पता चला एक्चुअली आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि इसमें 8 ब्रांचेज होते हैं टोटल, ठीक है। इसमें आप पीजी कर सकते हो, अलग अलग ब्रांचेज है, मुझे बाद में पता चला। मैंने तो बीडीएस को मतलब समझा पहले कि डेंटल में मेरा एडमिशन हो गया, डेंटिस्ट बनूंगा, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक ब्रांच है जो मैगजिलोफेशियल सर्जरी है, जो एक्चुअली हेड एंड नेक सर्जरी का पूरा बहुत अपकमिंग ब्रांच है, तो यू कैन एक्चुअली गो अहेड और कम्पीट विथ एमबीबीएस पीपल, एमएस सर्जरी पीपल। तो फिर इसके बाद भी बहुत सारे ब्रांचेस टूटते हैं, मैगजिलोफेशियल सर्जरी में ऑनको सर्जरी, कैंसर सर्जरी, हेड एंड नेक लेफ्ट लिप सर्जरीज है, ट्रॉमा सर्जरी है, टीएमजे सर्जरीज है, इनविट कॉस्मेटिक सर्जरी अंडर कम्स अंडर मैगजिलोफेशियल पीपल। तो आप रूटीन डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप इंडोडोंटिस्ट को देखिए, आप आरसीटी इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री, ठीक है, पेरियो है, ऑर्थोडोंटिक्स है, तो ब्रांचेज आर देयर, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब दिस इज़ डेड एंड फॉर पीपल हु हैव नॉट गॉट MBBS, उनके लिए BDS एक अच्छा ऑप्शन है। बस तो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपने आपने जो पॉइंट उठाया कि PG करना, तो PG किस ब्रांच से करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको इंटरेस्ट है डेंटिस्ट्री में, कोर डेंटिस्ट्री में, तो यू शुड गो फॉर यू नो इंडो ऑर्थो प्रोस्थो ये सब। अगर आपकी आपका ओरिएंटेशन सर्जरी की तरफ या यू नो MBBS की तरफ ज़्यादा है, तो यू शुड गो फॉर मैक्सिलोफेसियल सर्जरी। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि BDS, अगर MBBS नहीं मिला तो यू हैव मतलब ऐसा कोई इंड है, ऐसा कुछ नहीं। BDS इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट गॉट MBBS। BDS समटाइम्स BDS और मेनी टाइम्स BDS इज एज कम्पेटेबल एज MBBS। बहुत बहुत थैंक्स। यही समस्या होता है कि नॉर्मली MBBS के बाद, जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि नॉर्मली कोई भी प्रिपरेशन करता है तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि पहले MBBS ही करना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि MBBS के बाद एक जर्नी होती है PG की, जो एक क्वाइट लंबी जर्नी हो जाती है 10 साल। और आप एज अ BDS, मतलब जैसे कि BDS के बाद भी आपने बहुत सारे ब्रांचेज बताए जो कि आप PG करते हुए MDS करते हुए अपना एक स्पेशलाइज चीज़ों पर फोकस करके चीज़ों को आगे अपने करियर को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट सर नॉर्मली अगर हम लोग बात करें इसे MBBS और BDS की, अगर नॉर्मली कंपेरिजन किया जाए, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ BDS, अगर कोई स्टूडेंट्स ये होता है कि MBBS करके मतलब ड्रॉप आउट कर दिया कि बस मेरी कैरियर यहीं पे फिनिश हो गई, और किसी बच्चे ने BDS करके अपना कैरियर यहीं पे एंड कर दिया, तो आई थिंक कि मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस कि BDS में स्कोप आपको ज़्यादा मिलता है। ये इस बारे में एक्चुअली BDS में स्कोप ज़्यादा है। BDS में स्कोप इसलिए ज़्यादा है क्योंकि BDS इटसेल्फ एक सुपर स्पेशलिटी हो जाती है। MBBS के बाद होता है क्या कि आपको कहीं ना कहीं किसी ब्रांच में ऑप्ट करना है, और BDS में इटसेल्फ डेंटल सर्जरी एक स्पेशलिटी हो जाती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एज ए BDS यू हैव मोर स्कोप देन मियर MBBS। ओनली MBBS गाई एंड ओनली BDS गाई, आई कैन ओनली BDS गाई विल अर्न मोर देन MBBS गाई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखा जाए तो BDS पीपल आर मच मोर यू नो एट एट अपर हैंड ओवर MBBS पीपल। बट स्टिल एक्चुअली हमारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी और हमारा जिस परिवेश में हम लोग बड़े हुए हैं, जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे MBBS है अपर एडवांटेज ओवर BDS पीपल, इसमें कोई डाउट नहीं। सर ये नॉर्मली हर एक पेरेंट्स का होता है, यही दिक्कत है जो कि मैं भी बताता हूँ। और BDS कैसे अच्छा है और इसमें कैरियर बनाया भी जा सकता, और एज अ नॉर्मली कहीं ना कहीं फोकस होता है जो एज अ पेरेंट्स, मतलब बच्चों पे तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही पेरेंट्स होंगे जो बच्चों का इंटरेस्ट भी जानना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो ये, मैं किसी पेरेंट्स पे फिंगर राइज नहीं कर रहा हूँ, बट अभी तक जो मेंटेलिटी जो चलते आ रही है, एक प्रीफिक्स होता है कि आपने जो किया, मतलब डिसाइडेड हो जाता है कि ये इसको मतलब MBBS करना है या इंजीनियरिंग करना है, इट्स लाइक अ प्री डिसाइड, और उसको एक गोल की तरह आप तैयार होते हैं। उस बीच में अगर वो चीज़ नहीं हो पाया तो फिर फैमिली में एक स्ट्रेस सिचुएशंस भी आता है कि इसका नहीं हो गया। तो ABN मैंने मुजफ्फरपुर में या अपने बिहार में ऐसे काफ़ी पेरेंट्स को देखा है जिनका MBBS में मतलब बच्चे नंबर लाए, बट बात यह है कि आपके 16 लाख अपियरिंग है, उसमें से 83,000 अप्रॉक्स सीट्स है, तो सारे बच्चों का नहीं होना। उसमें भी 50% सीट्स ही है जहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स है आपके, तो नॉर्मली वो सबको मिल नहीं पाएगा। जो 50% बाकी जो सीट्स बच गए उनकी फीसेज हाई होंगी, जो सबके बजट में नहीं आ पाएगा। तो इसमें बच्चों को भी पूरी गलती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एक प्रिपरेशन एक अपने आप में है कि कौन सा बच्चा कैसे प्रिपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आई थिंक उसके बाद अगर बच्चों का एज अ डॉक्टर मतलब चीज़ों को होल्ड करना चाहते हैं और अपनी कैरियर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो BDS इज़ द मच बेटर ऑप्शन, जैसा कि आपने कहा। और BDS के बाद भी एक अच्छी स्कोप है, जैसे कि MDS करके वो अपने चीज़ों में स्पेशलाइज हो सकते हैं और चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। सर आपने BDS और MDS कहाँ से किया था, और आप अपने कैरियर पे फिलहाल जितने भी अभी आप तक काफ़ी वेल नोन डॉक्टर बन चुके हैं, पर इसके बावजूद अगर आपको ऑनेस्टली बोला जाए कि आप अपने BDS को और MDS को, आपने BDS भी किया है फिर MDS भी किया है, तो आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने किस में स्पेशलाइजेशन में MDS किया है और आप अपने कैरियर से कितने सेटिस्फाई हैं। देखिए मैंने शुरू में ही बोला कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस पे है। मैंने BDS मुंबई से किया, MDS मैंने मौलाना से किया मैगिलोफेसियल सर्जरी में, फिर हेड एंड नेक ऑनको सर्जरी धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से किया, क्लेफ्ट लिप सर्जरी की ट्रेनिंग मैंने त्रिचूर से किया जुबिलेशन मेडिकल कॉलेज से। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से सर्जरी की तरफ था, तो इससे मैं एक्चुअली आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अगर मैं मैगिलोफेसियल सर्जन नहीं बन पाता तो मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो वैसे ही आपको जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं BDS की या MBBS की, जिनका सिलेक्शन जिस फील्ड में हो रहा है BDS में हो रहा है, तो 4 साल 4.5 साल जो होगा बंदा खुद ही डिसाइड कर लेगा, फोकस कर लेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। तो इंटरेस्ट की बात है, अगर आपको इंटरेस्ट इंडो में है तो इंडो डॉन्टिस्ट बनना है, ऑर्थो में है तो ऑर्थो डॉन्टिस्ट बनना है,
अगर सर्जरी में है तो मैगिलोफेशियल बनना है, तो इंटरेस्ट की बात है। और जो काम भी आप करो, मन लगा के करो, तो सेटिस्फाइड तो होना है। और दूसरी चीज़ ऐसा नहीं है कि अब लैटरल इंट्रीज बहुत है आफ्टर डूइंग BDS पब्लिक हेल्थ वगैरह। आप फॉरेन अब्रॉड चले जाइए तो आफ्टर BDS सो मेनी पीपल आर ह्यूज नंबर ऑफ माई बैचमेट्स आर सेटल्ड आई एम सेटल्ड अब्रॉड। उन्होंने BDS करने के बाद पब्लिक हेल्थ वगैरह करके और वहाँ पे बाहर सेटल्ड है, वेल गुड अमाउंट ऑफ यू नो हैंडसम पैकेज दे आर गेटिंग। तो आफ्टर BDS दे आर एक्चुअली लैटरल एंट्री टू यू नो गेटिंग एडमिशन अब्रॉड ऑल्सो, बी इट MBA इन हेल्थ साइंसेज, बी इट पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, बी इट पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। सो मेनी ब्रांच है, इवन पीपल हु हैव नॉट गेट MBBS और BDS। बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर वेरी गुड फील्ड, अपकमिंग फील्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। मैं उन लड़कों के लिए कि जो बंदे उन लड़के लड़कियों के लिए जो बंदे तैयारी किए हैं, जिन्होंने तैयारी की, जिनको इस बार MBBS या BDS नहीं मिल पाए, उनके लिए माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी फील्ड है। ये आपके इंटरेस्ट की बात है कि अगर आपको डॉक्टर में इंटरेस्ट है तो आप MBBS या BDS, आपके बहुत ब्रांचेज हैव ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। और अगर नहीं डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट, दैट इज़ एक्चुअली हैंडसम यू नो गुड ब्रांच, फार्मेसी इज़ वेरी अपकमिंग ब्रांच इन इंडिया ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से जो ब्रांच आपको मिले उसी में एक्सेल कीजिए, उसी में फोकस कीजिए, एवरी ब्रांच इज़ गुड एक्चुअली, राइट। और नॉर्मल हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है कि हम चीज़ों को जानते ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट जानोगे तभी इंटरेस्ट आएगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे अपने कैरियर में करना क्या है। तो ये मुझे लगता है जो भी इंफॉर्मेशन BDS को लेकर मिला, क्योंकि इन तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट जो भी इस BDS को देखेंगे, कहीं ना कहीं उनका ये जो कन्फ्यूजन है कि MBBS में उतना ज़्यादा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, उसके एज कंपेरिजन अगर BDS की बात करें तो काफ़ी अंतर होता है अमाउंट आपका जो इन्वेस्टमेंट जाता है, फिर उसका रिटर्निंग। आई थिंक कि BDS में कहीं ना कहीं तुरंत रिटर्निंग है, अगर आप में क्वालिटी और स्किल वो बात है तो आप तुरंत रिटर्न कर सकते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि BDS का क्या स्कोप है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। देखिए अब जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हर पीएससी में चाहे APSC और PSC हो, सदर हो, मेडिकल कॉलेज, हर जगह डेंटल की सीट्स अलॉट कर दी गई है। तो आफ्टर डूइंग BDS यू हैव टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट सीट्स पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब जो रिसेंट सिनेरियो है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डेंटल वालों को इक्वल सैलरी विथ एज पार एज विथ MBBS पीपल, इवन फॉर BMS ऑल्सो। तो इन लोग BDS BMS MBBS तीनों की सैलरी ऑलमोस्ट बराबर करके उन्होंने हर PSC में अलॉट कर दिया सीट्स। तो अब पहले वाली बात नहीं है कि मतलब सीट्स नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी फ्रेंडली पॉलिसी है हेल्थ केयर के लिए। अब रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी पॉलिसीज आ गई हैं कि अब डेंटल पीपल, आयुर्वेदिक पीपल एंड इवन अदर स्ट्रीम के भी जो हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने वैकेंसी क्रिएट की है, और है हर जगह वैकेंसी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सदर हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो, सब जगह गांव में रूरल एरियाज़ हो चाहे अर्बन एरियाज़, हर जगह डेंटल की सीट्स आ गई हैं अब, और मैंडेटरी है, वो सीट्स को फुलफ़िल करना मैंडेटरी है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपने मेडिकल टर्म्स में चीज़ों को बताया कि आप जब BDS और MDS कर लेते हैं तो तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, पर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ टीट से रिलेटेड, मतलब जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उनकी कहीं ना कहीं सोच लगती है कि डेंटिस्ट का मतलब है कि सिर्फ टीथ तक बातें रह जाना। तो इनको आप कुछ आम भाषा में थोड़ा सा समझाएंगे तो, क्योंकि ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए BDS मीन्स दांत का डॉक्टर, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जब मैंने BDS किया था तो वहाँ पर दातांचा दवाखाना लिखा रहता था, ठीक है, कि दांतों का डॉक्टर है दातांचा दवाखाना। तो BDS इटसेल्फ इसका नाम है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बट डेंटल सर्जरी, मैं आपको एक पिक्युलियर बात बताऊँ जो शायद मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने एडमिशन लिया था। फर्स्ट ईयर पढ़ाई BDS MBBS दोनों साथ ही होती है, ठीक है, सेम कोर्स। सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट सेम कोर्स, ठीक है। थर्ड ईयर के बाद डिफरेंस आने लगता है कि हमें जनरल मेडिसिन सर्जरी भी पढ़नी होती है। थर्ड ईयर ऑनवर्ड जो है बस एक साल डेढ़ साल हमारा BDS और MBBS का कोर्स डिफरेंट होता है लास्ट में जाके। तो BDS वालों की पढ़ाई और MBBS वालों की पढ़ाई हमारे कॉलेज हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो नॉर्मली ये समझना भूल है कि दांत का डॉक्टर, बिकॉज दांत के डॉक्टर मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ने गया तब मुझे लगा कि यार दांत के डॉक्टरी में इतना क्यों पढ़ना है, लेकिन बाद में पता चला कि हेड एंड नेक, हमारा ये क्लाविकल से ऊपर जो हेड एंड नेक है, इट ऑल कम्स अंडर BDS, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है, चाहे वो ENT हैं, चाहे डेंटल पीपल हैं, चाहे वो यू नो न्यूरो सर्जरी है, बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी पीपल। तो इट्स वेरी ओवरलैपिंग एरिया। तो इस पूरे एरिया में हेड एंड नेक में डेंटल वालों का प्रीडोमिनेंस है, ठीक है। तो डेंटल इट डजंट मीन कि मतलब कि वो दांत का डॉक्टर, वो मतलब BA मैंडिबल मैक्सिला मैक्सिलोफेशियल ऑल कम्स अंडर डेंटल वाले, ठीक है। तो अबव नेक दिस इंक्लूड्स हेड एंड नेक
कम्स अंडर डेंटल ओनली। तो डेंटल BDS मतलब दांत, मत इसको कंफ्यूज मत हुई कि दांत ही है केवल, इवन फेस कम्स अंडर BDS ओनली। ठीक है, ये था कि उन तमाम पेरेंट्स के लिए था जिनका क्वेश्चंस भी आता है, उनको लगता है कि नॉर्मली दांत तक के इतना पढ़ने के बाद दांत का इलाज करेगा या दांत का डॉक्टर बनेगा, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एक खुद डॉक्टर बर्मन ने आप लोगों को बताया कि एक्चुअली में डेंटिस्ट जो होते हैं वो कहाँ तक कवर होता है। और ये एक बेल डिस्कशन था जो कि मुझे लगता है कि क्योंकि अभी एडमिशन्स का टाइम आएगा, काउंसलिंग अभी तुरंत ओपन होने वाली है, तो आप पैनिक ना हो, आप उन बच्चों को थोड़ा सा मैसेज दीजिए क्योंकि यहाँ से भी तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। और इसमें यह भी है कि फिर बच्चे पेरेंट्स भी कन्फ्यूज होते हैं कि अन्य गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो पढ़ाना ही नहीं है, या तो प्राइवेट कॉलेज के तरफ फोकस करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जिन बच्चों को नीट में अच्छा स्कोर आया है, काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, जिनको MBBS मिल रहा है, ऑफकोर्स MBBS ऑप्ट करें, और अपना इंटरेस्ट अगर मान लीजिए उनको जिनको MBBS मिल रहा है उनको BDS में अगर इंटरेस्ट हो दे कैन ऑल्सो गो फॉर BDS, तो जिनको जो मिल रहा है ऑप्ट करें। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि एवरी ब्रांचेज हैड्स ओन एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है वेट फॉर अदर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हतोत्साहित ना हो। ठीक है, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि आपको BDS मिल रहा है तो यू एक्चुअली आप अगले साल तैयारी कर लीजिए MBBS के लिए, तो इसके भी अलग डिसएडवांटेज है क्योंकि अगले साल शायद आपकी तैयारी उतनी अच्छी रहे भी ना, कोई उसका इसकी कोई गारंटी नहीं है। और BDS का एक अपना अलग चार्म है, आप BDS एडमिशन लेके भी अगले साल MBBS की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक ईयर ड्रॉप करना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपको BDS मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर BDS अगर आपका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट नहीं है दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट स्टिल ईयर ड्रॉप इज वेरी बिग सेटबैक ऑन द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर आपको जो इंटरेस्ट है, अगर आपको ब्रांचेज मिल रहे हैं तो लीजिए, नहीं मिल रहा है तो हतोत्साहित ना हो और वाइज डिसीजन बुद्धिमानी से डिसीजन लीजिए। बहुत बहुत से थैंक्स। ये थे डॉक्टर गौरव वर्मा सर हमारे साथ, जिन्होंने तमाम ये क्वेश्चंस थे जो कि सारे पेरेंट्स और बच्चे के माइंड में जाता है कि BDS, MBBS, BMS, BHMS, बाकी कोर्सेज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये थी चर्चा स्पेशली डेंटल को लेकर, डेंटिस्ट को लेकर, जो कि एक वेल नोन डॉक्टर हैं। हो सकता है कि वीडियो देखने वाले तमाम लोग जानते भी हो इस चेहरे को, बताने की ज़रूरत नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपका ये जो भी कीमती वक्त है ये बच्चों का कैरियर बनाने में इम्पॉर्टेंट एक लीड रोल के तरह साबित हो। थैंक यू सर।